हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हरीश साहू अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा जो टीम है बच्चों, अभिप्सा टीम, वो आपके लिए लेके आया है एक जबरदस्त सीरीज लाया है, एग्जाम सीरीज, जिसके अंतर्गत आपको जो 2023 में होने वाली जो सीजी बोर्ड की एग्जाम है कक्षा 10वीं और 12वीं की, जो कि बहुत ही क्या है बच्चों, बोर्ड एग्जाम का आपको प्रेशर जरूर होगा, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि 10th 12th बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टफ आती है और कठिनता होती है करके। तो उसी को दूर करने के लिए हमारी जो अभिषेक टीम है वो एग्जाम सीरीज मिशन 2023 लेके आया है, जो कि आपके हेल्पफुल रहेगी और आने वाले जो आपके एक महीना है उसमें आपके लिए क्या करेंगे, आपको सीरीज वाइज हम जो है आपको ए टू जेड प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम प्रोवाइड करेंगे क्या पीओक्यूज प्रोवाइड करेंगे, चैप्टर वाइज एनालिसिस कराएंगे और एक नंबर क्वेश्चन से लेकर हम लॉन्ग आंसर तक की प्रिपरेशन आपको कराएंगे बच्चों, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी यूट्यूब में। और हमारी जो टीम है वो आपको ए टू जेड पूरा एक्सप्लेनेशन देंगी, ब्लूप्रिंट वाइज क्वेश्चन कराएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना है उन सब का डिस्कशन कराएंगे बच्चों हमारे टीम के द्वारा, जो आपको मिलेगी यूट्यूब में। और हमसे आप जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब में और साथ ही साथ हमारी जो ऐप है अभिप्सा, उसमें आप आके हमसे पूरा जानकारी ले सकते हैं, पूरा डिटेल्स का स्टडी कर सकते हैं बच्चों। तो मैं जो बात कर रहा था, हमारी जो टीम है मिशन 2023, जिसके अंतर्गत आपको क्या क्या मिलने वाली है वो तो मैं बता ही दिया, और साथ ही साथ आपको ये भी बता सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो टीम है वो आपके लिए एक महीने तक का जो स्ट्रेटजी बना कर रखा है, जिसमें आपको छोटे से छोटे एक नंबर से लेकर आपके 4 नंबर 5 नंबर के जो क्वेश्चन है उसको डील करेंगे, और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबको आपको ए टू जेड देंगे और प्रोवाइड कराएंगे, और आपके माइंड में ये चीज़ ला देंगे कि आप जो है इजिली क्या कर सकते हैं बच्चों, आप इजिली आपके एग्जाम तक और आपके एग्जाम के बाद भी आपको पूरा माइंडसेट आपका क्लियर हो जाएगा और एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे और एग्जाम भी अच्छे से सफलता प्राप्त कर लेंगे, आपके माइंड में भी आ जाएगा, आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे और इतना आपकी कहा जा सकता है कि सफलता के लिए आप पूरा सजग हो जाएंगे और पूरा सफलता प्राप्त कर लेंगे, इतना हम दावा करते हैं बच्चों। तो इसी कड़ी में मैं आज शुरुआत कर रहा हूं बच्चों, मैं जो है हरीश साहू कक्षा 10वीं का आपका क्या विज्ञान डील करने वाला हूँ, और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं इस सीरीज का, जिसके अंतर्गत हम जो है आज हम डील करेंगे ब्लूप्रिंट के बारे में। हमारे जो ब्लूप्रिंट है कक्षा 10वीं की ब्लूप्रिंट, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या होती है आपके जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आती है बोर्ड क्लास की, उसमें क्या क्या पैटर्न है उस सबका हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको देखेंगे, आपको बताएंगे कि 4 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन और 1 नंबर क्वेश्चन ये कैसे कैसे बटा हुआ है और आपके कैसे 75 अंक का आपका प्रश्न आता है। तो ब्लूप्रिंट आप पहली बार नहीं सुन रहे होंगे, ब्लूप्रिंट के बारे में जानते ही होंगे मैं मान के चलता हूँ, अगर नहीं भी जानते होंगे तो मैं बता दूँ, ब्लूप्रिंट जो है बच्चों आप जो बोर्ड क्लास के पेपर दिलाते हो उसमें आप देखते हो कि कैसे 3 नंबर का क्वेश्चन इतना आ रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन इतना आ रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन 2 है 3 है, इन सब का जो सीक्वेंस है उसका जो आपका जो जिस ऑर्डर को फॉलो करता है वो ब्लूप्रिंट है बच्चों। ब्लूप्रिंट में जैसा ऑर्डर दिया जाता है वैसे ही आपके प्रश्न में आपको क्वेश्चन दिखाई देता है, आपके प्रश्न बैंक में जो आपके क्वेश्चन पेपर में है उसमें आपका प्रश्न का सीक्वेंस दिखाई देता है। तो ब्लूप्रिंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ब्लूप्रिंट के जानना आपको बहुत जरूरी है बच्चों। तो उसी कड़ी की शुरुआत हम कर रहे हैं, तो चलो चलते हैं बच्चों ब्लूप्रिंट के बारे में जानते हैं कि कैसे कक्षा 10वीं में हमारे विज्ञान में कैसे किस रूप में हमारी सिलेबस को, हमारी जो पूरा आपको पाठ्यक्रम है उसको लिखा गया है और कैसे हमको पढ़ना है और कितना आपके पेपर में आने वाला है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान 3 भागों में बांटा गया है हमारे विज्ञान को। तो उसी कड़ी में हम आज देख रहे हैं कि ब्लूप्रिंट में जो आपका 3 जो भाग है रसायन शास्त्र, उस रसायन शास्त्र में आपके जो 3 यूनिट दिया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 यूनिट दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो और अगले 3 यूनिट है जो कि आपका फिजिक्स का पोर्शन है बच्चों, 4th, 5th और 6th है ना, उसके बाद आप देखेंगे 7th, 8th और 9th जो कि आपके जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है, ये जो 3 और ये आपके जो 3 जो भौतिक शास्त्र वो जो आपके थे, पहला जो देखे ये जीव विज्ञान का था और ये भौतिक शास्त्र का था और अब देखेंगे ये रसायन शास्त्र का। तो हम देखते हैं कि तीनों यूनिट में कितने कितने अंक क्वेश्चन आएगा और कितने कितने जो आपके चैप्टर है, अब यूनिट बोल रहा हूँ तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, इकाई बोलते हैं, एक इकाई के अंतर्गत जैसे 2 चैप्टर दिया है, 2 अध्याय दिया है, कौन कौन सा दिया है देखो, अम्ल, क्षार एवं लवण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये दोनों मिलाकर 1 यूनिट बना हुआ है। इस यूनिट में मैं बात करूं तो इस यूनिट में टोटल कितने नंबर आएगा, 8 नंबर आएगा, कितना नंबर आएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इससे
किससे सर? पहले यूनिट से। अब इसमें जो 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो 2 नंबर का, 1 नंबर का और 3 नंबर का, देखिए 4 नंबर का, इतना ही क्वेश्चन आने वाला है। किससे? पहले वाले यूनिट से। तो देखो 8 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है इस यूनिट से, तो एक एक नंबर का कितने प्रश्न आ रहा है? 2 आ रहा है। और 2 अंक का कितना प्रश्न आएगा? 1 प्रश्न आएगा। क्या इसमें 3 नंबर का प्रश्न आएगा? नहीं, इसमें आएगा सिर्फ और सिर्फ 1 और 4 अंक का। ठीक है, 5 नंबर का नहीं आ रहा है, 6 नंबर का नहीं आ रहा है। तो बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है इस यूनिट से? 2 और 2 4, 4 जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से आपको पता है एक एक नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा और मैं देखूंगा 4 नंबर का 1 क्वेश्चन। अब आपको मैं बता दूं और आपको पता भी होगा कि हमारा जो एग्जाम है बोर्ड एग्जाम, वो जो है 3 सेट में आती है, कौन कौन से? ए, बी और सी। और आपको पता होना ही चाहिए कि जो ए बी सी सेट है उसके 1 नंबर से 2 नंबर 3 नंबर तक जितना क्वेश्चन है वो तीनों सेट में अलग अलग होती है, लेकिन 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर का जो क्वेश्चन है बड़ा बड़ा, वो तीनों सेट में सेम होती है। जो आप ए सेट में आया है अगर बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का, वो बी में भी आएगा और सी में भी आएगा। बस शर्त आपको क्या याद रखना है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर का जो छोटा छोटा क्वेश्चन है वो तीनों सेट में अलग अलग होगा। ठीक है, एक क्या चीज है, ये पैटर्न है बच्चों, है ना, आपको क्लियर रखना है इस चीज को। और साथ ही साथ ये भी है कि जो 3 नंबर के ऊपर वाला क्वेश्चन है, कौन कौन सा? 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन, उसको तोड़ कर भी दिया जा सकता है। मतलब 6 अंक के जो क्वेश्चन है, एक प्रश्न लिखा गया है 6 अंक का, उसके अंतर्गत क्या कर दूंगा मैं, अ ब स करके 3 क्या कर दूंगा, 3 दो दो नंबर के क्वेश्चन भी डाल के दे सकता हूं मैं। ऐसा कौन बोलता है? बोर्ड वाले बोलते हैं ना, तो वैसे देता भी है। तो आपको ये याद रखना है कि 6 नंबर का कोई बोल दिया कि 6 नंबर का इस चैप्टर से आ रहा है, जैसे मैं भी बोलने वाला हूं कि 6 नंबर का आ रहा है, जैसे धातु एवं धातु कर्म, जो कि आपके रसायन शास्त्र का दूसरा यूनिट है, धातु एवं धातु कर्म और अधातुओं का रसायन, ये दो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर जो है एक यूनिट बनाया है। ठीक है, और ये भी अलग चैप्टर था, ये भी अलग चैप्टर था, ये दोनों चैप्टर का एक यूनिट है। इस एक यूनिट से 8 नंबर का प्रश्न आता है, एक एक अंक आएगा, 2 अंक आएगा, 4 अंक आएगा। और आप बोलोगे कि सर कौन कौन से जो है चैप्टर से कितने कितने अंक आ रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो बच्चों हम जो है आज ब्लूप्रिंट डिस्कस कर रहे हैं, आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे स्ट्रेटजी देखेंगे, जिसमें आप मेरे को बता दूंगा कि किससे किससे कितना कितना नंबर का आता है और आपको कितना कितना पढ़ना है। उसी की शुरुआत तो हम कर रहे हैं ना, तो आप बने रहिए हमारे साथ और आप देखते रहिए कि कैसे हम लाइन से चल रहे हैं, ब्लूप्रिंट से लेकर स्ट्रेटजी और एक एक नंबर दो दो नंबर क्वेश्चन आपको पूरा डील कराएंगे और आपको पूरा बता देंगे कि कैसे आपका एग्जाम आने वाला है और आपको कैसे इसको डट कर सामना करना है और सफलता पाना है। आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बताएंगे बच्चों, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना। तो मैं बात कर रहा था पहले यूनिट की, तो पहले यूनिट का क्लियर हो गया बच्चों। अब दूसरे यूनिट की बात करूं तो दूसरे यूनिट में मुझे पता चलता है कि अगर मैं दूसरे यूनिट में देखूं मैं कि ये जो है धातु एवं धातु कर्म धातु का रसायन, इससे भी कितने नंबर का प्रश्न आ रहा है? इससे भी 8 नंबर का प्रश्न आ रहा है, इसमें भी एक एक नंबर का 2 क्वेश्चन आ रहा है और सीधा आ रहा है 6 नंबर का एक प्रश्न, जो कि अथो करके भी दे देता है। कैसे? अगर दे दिया कि देखो धातु एवं धातु कर्म और अधातु का रसायन, बोल दिया कि नाइट्रोजन के बारे में बताइए, अधातु में पूछ देता है नाइट्रोजन बनाने की विधि बता दीजिए, है ना, नामांकित चित्र रासायनिक उसका सूत्र लिखिए, रासायनिक सूत्र लिखिए और उसके क्या लिख दिया, उसका उपयोग लिखिए, तो दो 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 करके 6 दे दिया। अथवा दे दिया क्या, अथवा कुछ दे दिया, जैसे कि क्या धातु कर्म के बारे में दे दिया, ऐसो का साधन के बारे में बताइए, तो 6 नंबर का प्रश्न इससे बनता है इस यूनिट से। तो आपको क्या करना है, इससे लेके चलना है इसके क्या 2 नंबर के, देखो 2 नंबर का कहां मैनेजमेंट होगा आपको, एक एक अंक के 2 क्वेश्चन आएगा, जो कि किस क्या आएगा, या तो सही विकल्प हो सकता है, या तो उचित संबंध, या तो फिर खाली स्थान हो सकता है। चलो स्ट्रेटजी में जाएंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। चलो तो ये हुआ क्या दूसरा यूनिट। अब तीसरा यूनिट की बात करूं तो तीसरा यूनिट में आपको पता चलता है कि दैनिक जीवन में रसायन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, ये जो 2 चैप्टर है वो भी एक यूनिट बनाया है, तीसरा यूनिट तीसरा इकाई। इसमें आप देखेंगे ये भी 8 नंबर का प्रश्न आ रहा है, जिसमें से आपको एक एक नंबर का 2 प्रश्न मिलेगा, एक एक नंबर का और 2 नंबर का 1 प्रश्न मिलेगा और 4 अंक का 1 प्रश्न मिलेगा। इसमें बड़ा क्वेश्चन सिर्फ एक ही आ रहा है 4 नंबर की और एक जो है 2 नंबर का आएगा और 2 क्वेश्चन जो है सही विकल्प और उचित संबंध जोड़िए या फिर फिल इन द ब्लैंक के रूप में एक एक नंबर का 2 क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये बात हुई रसायन शास्त्र की। अब हम आगे बढ़ते हैं फिजिक्स की ओर, फिजिक्स मतलब भौतिक शास्त्र की ओर, जिसमें से आपका देखो 2 चैप्टर उष्मा एवं ताप और ऊर्जा स्वरूप स्रोत, जो कि चौथा यूनिट है, इसमें कितना नंबर मिल रहा है? इसमें भी 7 नंबर मिलेगा। एक एक नंबर का कितना प्रश्न है? एक एक नंबर का देखो ये 1 अंक का है, ये 2 अंक का है और ये 3 अंक का है, 4 अंक का,
पांच अंक का, छह अंक का, और ये छह या फिर छह से अधिक बोला जा सकता है ना, ठीक है, छह या छह से अधिक बोल सकता हूं मैं, आठ अंक या इससे अधिक बोल सकता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या पता चला, आठ अंक या उससे अधिक। आपको क्या पता चला कि सात नंबर का प्रश्न आ रहा है इस यूनिट से, और उसमें आपको एक एक नंबर का दो प्रश्न आ रहा है, और दो अंक का एक प्रश्न आ रहा है, और तीन अंक का एक प्रश्न, मतलब इसमें बड़ा क्वेश्चन देखना नहीं है, किसमें, ये वाले यूनिट में, ठीक है। तो टोटल नंबर क्वेश्चन कितना है इसमें, चार अंक का आएगा। फिर बात करता हूं मैं नेक्स्ट पांचवा यूनिट की, प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन, और देखो गोली सत्ता वाले जो समता सत्ता वाली है उससे कितना प्रश्न आ रहा है बच्चों, उससे देख लेते हैं सर। दस नंबर का आएगा प्रश्न, दस नंबर का प्रश्न आएगा, दो अंक का क्या आएगा, एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, उचित संबंध जोड़िए, ये भी आएगा। दो अंक का प्रश्न है क्या, नहीं है। तीन अंक का एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन किससे आएगा, तीन अंक से। चार अंक का नहीं आएगा, पांच अंक का एक प्रश्न आएगा जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपको कितना नंबर दे रहा है, दस नंबर दे रहा है इस वाले यूनिट से, ठीक है। अब देखते हैं क्या, विद्युत धारा एवं परिपथ, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, इस वाले यूनिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट से आप देखते हैं कि नौ प्रश्न, देखो नौ नंबर का क्या आ रहा है, नौ नंबर का इसे प्रश्न आएगा जिसमें से एक नंबर का एक बस क्या रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, है ना, एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर आपका जो मैच करते हैं जो सही जोड़ी बनाते हैं वो आएगा एक नंबर का, बाकी तीन अंक का आएगा, दो नंबर का नहीं आएगा, चार नंबर का भी नहीं आ रहा है, और एक आ रहा है पांच, देखो पांच तीन आठ और एक नौ, ठीक है। ये बात हुई किसकी, भौतिक शास्त्र की। अब हम चलते हैं जीव विज्ञान की ओर। अब जीव विज्ञान में हम क्या देखते हैं, जीवों के विकास अनुवांशिक जनकों से संतानों तक, इसमें कितने नंबर आ रहा है बच्चों, इससे हमें पता चलेगा आठ नंबर का क्वेश्चन आएगा, और आठ नंबर क्वेश्चन आएगा क्या क्या, एक आएगी एक नंबर की, दो अंक की नहीं आने वाली है, तीन अंक की एक क्वेश्चन आएगी, चार अंक की एक क्वेश्चन आएगी, चार तीन सात और एक आठ, ठीक है। ये कौन सा यूनिट है, जीवों का विकास अनुवांशिकी जनकों से संतानों तक। फिर आप देखते हैं कि आठवां नंबर का जो यूनिट है इसमें देखो बारी बारी से देखो, तीन चैप्टर अलग से दिया हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कितने नंबर दे रहा है ये, तेरह नंबर का आएगा इस यूनिट से। अब इस यूनिट में देखो इस जो चैप्टर है तीनों, उससे आएगा प्रश्न कितने नंबर का, तेरह, एक नंबर का एक क्वेश्चन, दो नंबर का एक क्वेश्चन, अब देखो बारी बारी, तीन नंबर नहीं आएगा, चार नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, अब कितना पता चला, चार एक पांच और एक छह और सात, सात और छह तेरह, छह नंबर का एक प्रश्न आएगा इससे, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट यूनिट चलते हैं, अब हमारा परिवर्तन करके एक और यूनिट है जो अकेले ही चार नंबर देगा, कैसे, दो नंबर के एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दे देगा, और एक दो नंबर का क्वेश्चन दे दिया, मतलब चार नंबर ये जो हमारा ये लास्ट यूनिट है वो दे देगा। तो बच्चों समझ में आया ब्लूप्रिंट, इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके ही बोर्ड एग्जाम जो है आपका पेपर तैयार करता है बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम जो कंडक्ट होती है इस ब्लूप्रिंट की सहायता से ही, और इसी रूल्स को फॉलो करके ही आपको पूरा आपको जो पर्चा मिलता है वो ऐसे ही रहता है। कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्या रहेगा सीक्वेंस, ये आपको ब्लूप्रिंट में पूरा जो दिया है वैसे ही आपका एग्जाम में आता है। तो समझे बच्चों ये क्या था, पूरा ब्लूप्रिंट जो है आपके एग्जाम में जो आने वाला है पैटर्न, उसको पूरा बता दिया गया है, बस आपको समझना है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। अब स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बारे में आपको पता ही होगा, हार्ड वर्क करते ही आए होंगे, है ना, इतने दिन तक किए होंगे, अगर नहीं भी किए होंगे तो हम हैं आपको हार्ड वर्क कराएंगे स्मार्ट वर्क के साथ, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ। स्मार्ट स्ट्रेटजी इतना दिन तक आप किए होंगे हार्ड वर्क, अगर नहीं भी किए हैं तो इसमें ये चीज़ लाद लीजिए, क्यों, क्योंकि स्मार्ट वर्क भी करोगे तो हमारे रूल्स को हम जो आपको बताते जाएंगे उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएंगे, तो बिल्कुल आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस स्मार्ट वर्क में। एक महीने बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम, उसके लिए आपको क्या करना है, डेली के डेली हमारे जो लेक्चर्स है उसके साथ साथ आपको मेहनत करना है। एक नंबर क्वेश्चन कैसा है, चार नंबर क्वेश्चन कैसा है, पाँच नंबर क्वेश्चन कैसा है, हम आपको पूरा इजी तरीके से बताएंगे, जो कि आपको हमारे अभिप्सा मेंबर्स जो है, हमारे टीम्स जो है आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे। वो भी हम जो है क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे जो टीम है अभिप्सा, वो आपको पीडीएफ देंगे, माइंड मैप कराएंगे, वैकल्पिक अभ्यास प्रश्न कराएंगे, व्याख्यात्मक जो अभ्यास प्रश्न है वो सब है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी होती है, और शंका समाधान हेतु सीधे लाइव क्लासेस जो है हमारी अभिप्सा टीम द्वारा कंडक्ट कराई जाती है बच्चों। तो जो हमारी टीम है उनका जो कहना है, उनका जो आपका मार्गदर्शन
आपका विकास, बौद्धिक विकास से लेकर आपका हर जो है प्रॉब्लम उसको दूर करती है हमारी अभिप्सा टीम। बस आप हमसे जुड़े रहिए और हम बता दें कि हमारी जो टीम है उसके जो देखिए आप फैकल्टी वाइज देख सकते हैं, तो हमारी टीम के जो संस्थापक हैं दीपा वर्मा मैम, जो कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के फैकल्टी है, वो जो है उनके मार्गदर्शन से ही हमारी जो फैकल्टी पैनल तैयार हुई है। और हम देखेंगे कि छाया मैम जो है जीव विज्ञान उनका स्टडी कराएंगे, साथ ही साथ हमारे हिमांशु सर जो है वो गणित की फैकल्टी से, जो आपके 12th तक बोर्ड है उसके गणित के जो आपके पूरे सूत्रों को इजी करेंगे हमारे हिमांशु सर, उसी तरह फिजिक्स जो है 12th का उनको डील करेंगे हमारे अभिनव तोसांशु पांडे सर, और जो 10th क्लास की आपके जो मैथ्स है उनको डील करेंगे हमारे टकेश्वर सर जी, और जो 10th और 12th के दोनों अंग्रेजी सब्जेक्ट है। हालांकि आपको लगता होगा कि अंग्रेजी ईजी है करके, लगता है नहीं लगता होगा क्यों, क्योंकि आप सीजी बोर्ड से, तो आपको लगता होगा टफ है सर अंग्रेजी, लेकिन उसको और इजी तरीके से बताएंगे हमारे रमेश सर, और जो आपके 12th क्लास का जो क्या है रसायन शास्त्र है उसको डील करेंगे लोकेश विश्वकर्मा सर, और मैं तो आपको 10th का विज्ञान पूरा डील करने वाला हूँ। बच्चों आप तो मेरे बारे में जानते हैं, हरीश साहू मेरा नाम है, हम जो है हमारी जो टीम है वो आपके लिए लगे हुए हैं, और आपके लिए विशेषता हम जो है एग्जाम सीरीज मिशन 2023 लॉन्च किए हुए हैं। बच्चों बस आप स्मार्ट स्टडी करिए, हमसे जुड़ के रहिए, और हमारे ऐप जो है अभिप्सा उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और हमारी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको आप जो है दिए गए नंबर पर भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बच्चों तो अब मिलते हैं हम, स्मार्ट स्टडी कैसे करना है और कैसे इसका स्ट्रेटजी रहेगा और कैसे आप विज्ञान सब्जेक्ट को इतना आसानी से पूरा कैसे डील करेंगे, एक महीने डेढ़ महीने में आपके जो बचे हुए एग्जाम है उस पर आप कैसे अच्छे से फोकस होकर सफलता प्राप्त करेंगे, इस पर आप हमसे जुड़िए और हमारी वीडियोस कंटिन्यू क्या करते रहिए बच्चों, लाइक करिए और आगे बढ़िए और बस हार्ड वर्क करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, धन्यवाद।